इस ग्राउंड में एक ऐसा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आपको आंवले का जूस, करेले का जूस और स्प्राउट्स, जिसे अंकुरित कहा जाता है। कारण था बेरोजगारी खाली थे हम लोग, कुछ स्टार्ट करना था हम लोग को, तो हम लोग ने ये वाला प्लेटफॉर्म चुना। मतलब इनको लगाए 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से खाते हैं, डे वन से खा रहे हैं, बस कभी बार छूटते हैं। अच्छा, भिलाई सर में और कोई ऐसी व्यवस्था मिलती है? कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलती। भिलाई सर के छोड़ दिया, आप कहीं भी चले जाइए, ऐसा वैसा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर इतना सारा आइटम इतना स्वादिष्ट वे में आपको मिल पाए। इसका जो टेस्ट है वो आपको ज़्यादा दुखी नहीं करेगा। जितने भी आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स भी, अब गर्ल्स भी वो डेली बैड हैबिट में पूरे एडिक्टेड हो चुके हैं। क्या चीज़ ऐसे हो जा रही है कि मेरे को फटाक से गुस्सा है? ओए, यूथ पूरा अपनी डेली रूटीन के कारण ही तबाह होने वाला है। अच्छा। जो होते जा रहा है, जो मुझे दिख रहा है। इसको दाबे हैं कि नहीं सुबह? इसको दाब दिए, अभी दाब रहे थे चार लोग मिलके, किसी को दाबे हैं हम लोग। ऐसा क्या? तो एक ही कटोरी चारों निपटा लिए? अरे तो भाईचारा है। तीन, चार, पांच, आय हाय, बहुत बढ़िया। अरे चालू कर दिए क्या बाबा? चलो बढ़िया है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो हम सोच रहे थे थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते और अंदर से जो फुर्ती आती तो वो कैमरे में दिखता, हालांकि थोड़ा थोड़ा फुर्ती आ गया है। और सुबह सुबह सभी को वैसे निकलना चाहिए। जोरदार नमस्कार और आपको सुप्रभात अगर आप ये वीडियो सुबह सुबह देख रहे हैं तो, अगर आप ये वीडियो दोपहर को देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और अगर आप ये वीडियो शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट, और अगर अगली सुबह आपका गुड मॉर्निंग होगा तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। केपी न्यूज़ का खास कार्यक्रम भोजन भट्ट फिर से पहुंच चुका है। एक शानदार भोजन व्यंजन, क्या क्या ना बोले, जो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि खाने के मामले में अभी तक भोजन भट्ट ने तमाम मसालेदार खाने, तेल से तले हुए खाने और जायकेदार खाने आपको खा कर बताया है, और जो स्वाद है उसका बहुत मज़ा लिया है। मगर अब जो है मामला डिटॉक्स वाला हो गया है, मतलब अब शरीर को शुद्ध करने का समय आ गया है। और शरीर जब शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो आप शुद्ध दिखेंगे, चेहरे में चमक आएगी, नूर अलग आएगा। तो इस वक्त मैं सेक्टर 5 जयंती स्टेडियम के पास मौजूद हूँ, उस ग्राउंड पर जहाँ पर भिलाई के तमाम युवा और तमाम वो अंकल आंटियाँ लगातार अपने सेहत का ध्यान रखते हुए सुबह सुबह यहाँ पर दौड़ लगाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो हम उन्हें देखने के लिए और वो एक्सरसाइज करने के बाद क्या खाते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड में एक ऐसा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आपको आंवले का जूस, करेले का जूस और स्प्राउट्स, जिसे अंकुरित कहा जाता है, और तमाम प्रकार के वो सारे व्यंजन मिलेंगे जो आपके शरीर को शुद्ध करेगा, आपको ताकत देगा और आपको जो है हमेशा तंदुरुस्त रखेगा। तो मामला जब खाने का हो तो आपको कौन सा खाना कितना तंदुरुस्त करता है ये ज़रूर दिखाना चाहिए। तो भोजन भट्ट यहाँ पर पहुँच चुका है वही दिखाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो शॉप जिसका नाम वेजी वाइब्स है। तो वेजी वाइब्स क्या वाइब देते हैं और उस वाइब से जुड़े कितने लोग उस दुकान पर खड़े रहते हैं ये आपको दिखाते हैं, और तमाम उन लोगों से भी बात करेगा भोजन भट्ट जो लोग यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया तंदुरुस्त खाना खाते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। देखिए, ये हमारे दो मित्र हैं जो यहाँ पर तमाम कई महीनों से, कई सालों से यहाँ पर ये छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, और ये जो स्टॉल है ये जो है जयंती स्टेडियम का शान हो गया है, क्योंकि जितने तमाम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर यहाँ से होकर ज़रूर जाते हैं। तो वेजी वाइब्स सर्व्स यू द बेस्ट। तो क्या क्या सर्व होता है, क्या क्या मिलता है खाने में, और वो कितना स्वाद होता है और कितना पौष्टिक होता है ये भी दिखाएंगे।
चलिए अंदर चलते हैं सीधा। स्टॉल में हमारा आगमन हो चुका है और इस पोस्टर पे वो तमाम चीज़ें लिखी है जो यहाँ पर मिलती है। नीम, तुलसी, अदरक, हल्दी, सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। सारा जूस यहाँ पर मौजूद है, सारा स्प्राउट यहाँ पर मौजूद है। और स्प्राउट को पेश करने का क्या तरीका है, उस पर क्या जायका आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो मशीन देख रहे हैं, यहाँ का सबसे सर्वश्रेष्ठ मशीन है जिससे सारे जो है सलाद बनते हैं। सबसे पहले भैया साहब को मिलाते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भोजन भट्ट के इस कार्यक्रम में जी, इस कार्यक्रम में खाना आपको जो है बहुत पौष्टिक मिलता है जी। आमतौर पर जहाँ भी खाने का मामला होता है वो तेल मसाले वाला होता है, लेकिन लोग इस प्रकार के स्टॉल को ढूंढते रहते हैं। जनता स्टेडियम में ये स्टॉल कितने साल से लगा हुआ है? हम लोग को लगभग ये यहाँ पे ये स्टॉल लगाते हैं, ये चौथा साल है अपना। अच्छा, ये क्या रीज़न था कि आपने एक ऐसे जगह पर अपना स्टॉल खोला जहाँ पर सारे जूस है, कैरेट, ज्वारा, रास, लौकी, करेला, झिंगर सब कुछ मिलता है यहाँ, क्या कारण? कारण था बेरोजगारी। खाली थे, हम लोग कुछ स्टार्ट करना था हम लोग को। हाँ। तो हम लोग ने ये वाला प्लेटफॉर्म चुना। अच्छा, हाँ। क्या रिस्पांस आ रहा है भिलाई के लोगों की? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है सर यहाँ पे। मतलब रोज का काफ़ी सारे लोग देखते होंगे आप लोग मॉर्निंग वॉक में, जयंती स्टेडियम में आते हैं। रिस्पांस बहुत बढ़िया है। तो चार साल हो गए हैं। जूस के मामले में क्या क्या बनाते हैं? जूस में सर हमारे पास रहता है बीटरूट है, कैरेट है, खीरा, लौकी, पालक, कच्ची हल्दी, लहसुन, आंवला, जवारा, नीम, करेला, चिरायता, गिलोय, अर्जुन की छाल है। और आपका खाने में हम लोग का स्प्राउट सैलेड है, ओनली सैलेड भी बनता है, पीनट सैलेड बनता है। और शेक में अपने पास में बनाना शेक है, ड्राई फ्रूट के साथ है, चॉकलेट के साथ भी है बच्चे लोग के हिसाब से। अच्छा। सत्तू का शरबत बनता है, नींबू पानी है, जलजीरा है, मतलब पूरा मामला देसी है। हाँ, कोई बाहरी मिलावट नहीं, 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 पूरा ओनली और सब चीज़ ओरिजिनल है, कोई फ्लेवर नहीं है, केमिकल वाला कोई चीज़ कुछ नहीं है, मतलब पूरा शुद्ध है, ओरिजिनल। आपको शुद्ध करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर शुद्ध लाई गई है। और क्या क्या बनता है वो हम आपको दिखाएंगे इस पूरे वीडियो में। आप यूजुअल में लगातार देख रहे होंगे कि क्या क्या यहाँ बनता है, मगर उसमें क्या क्या डलता है ये हम आपको पहले दिखाएंगे। भिलाई के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपना सबसे पहला जो सुबह का आहार होता है वो यहीं से लेकर जाते हैं। ऐसे भी कुछ सालों से जो है ब्रेड बटर जो है लोग खाना छोड़ दिए हैं, उसको पूरी कड़ी टक्कर दे रहा है ये स्प्राउट्स। तो इस स्प्राउट्स में क्या दम है और वेजी वाइब्स क्या क्या वाइब दे रहा है लोगों को, ये भी जानेंगे। तो भैया आज क्या, अभी सबसे पहले क्या पिलाएंगे आप? हम आपको एक जूस पिलाएंगे। क्या जूस है वो? मैं आपको ABC पिलाऊंगा, आंवला, बीटरूट, कैरेट का मिक्स। वाह वाह वाह। अदरक, अदरक, ये पुदीना, धनिया और तुलसी का पत्ता। अदरक, पुदीना, धनिया और तुलसी का पत्ता चले गया है। ये सीधा नमक? काला नमक, काला नमक। और ये जीरा पाउडर है। ये कौन सा जूस जा रहा है? ये कैरेट है सर। कैरेट। और ये बीटरूट है सर। बीटरूट। ए बी हो गया, सी कौन सा है? सी भी कैरेट चलेगा। अच्छा, उल्टा जा रहा है। ये क्या है? आंवला, आंवला। अच्छा, नींबू भी जाएगा सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसकी जो बनने की प्रक्रिया है आप देख चुके हैं, इसको पीने के बाद मेरे अंदर क्या कुछ प्रक्रिया होती है ये मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं इस प्रकार के आहार बहुत कम लेता हूँ और ये आपको ज़्यादा लेना चाहिए और मुझे भी ज़्यादा लेना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए और अपने लिए एक ऐसी खोज की है। तो भैया सबसे पहले चखते हैं इसको। इसका जो टेस्ट है वो आपको ज़्यादा दुखी नहीं करेगा, मगर मज़ा आएगा पीने में। खाली पेट अगर इसको पीते हैं तो शायद इसका जो मेन जो ये फीडबैक देता है आपके पूरे शरीर को वो सबसे ज़्यादा जोरदार देगा। मतलब जो तीनों जूस में डले हैं ना, वो तीनों जूस का स्वाद आ रहा है। उससे पहले जो तुलसी, नीम, अदरक तमाम चटनी डाले थे, उसके ऊपर तीनों जूस डाला गया है, तो बढ़िया स्वाद है। और इसके खाने के तमाम फ़ायदे हैं, तमाम विटामिन, तमाम पौष्टिक जो आपके शरीर को मिलेंगे।
और जब दिन भर के खाने में इतने मसाले तेल आप लगातार देखते हैं, ये अगर आप सुबह सुबह लेना शुरू कर दिए तो शायद आपके सेहत में ऐसे बहुत सारे फ़र्क आपको देखने मिलेंगे जो आमतौर पर जल्दी नहीं देखने मिलते। भैया क्या क्या डाले हैं इसमें? इसमें सारे सैलेड डले हुए हैं, स्प्राउट्स, इसमें चिक पीस डाला हुआ है, मूंग डाला हुआ है। और क्या मसाले वगैरह डालते हैं? नींबू, नमक, जीरा मसाला, ये सब डाला हुआ है इसमें। चाट मसाला वगैरह भी डालते हैं? नहीं नहीं, चाट मसाला नहीं, वो नुकसान करता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये मतलब दिन भर में लगभग मतलब सुबह सुबह जो लोग आते हैं इसको सबसे ज़्यादा खाते होंगे लोग तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला चीज़ है। अच्छा ये स्प्राउट्स खाने के कुछ तमाम फ़ायदे बता दीजिए लोगों को। क्या आपका एंड्योरेंस अच्छा रखता है, एनर्जी देता है सुबह सुबह, एक सैलेड और इसके साथ कॉम्बिनेशन खाओ तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रखता है। अच्छा देखिए ये तैयार हो गया है, इस पर ये जो क्या डाला है इस पर भी यही? इसमें सर कॉर्न है और ये अनार। हाँ कॉर्न है, अनार है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो इसको अपन जो है चक्कर पहले बताते हैं आपको। देखिए हमारा डेरा तो दुकान के अंदर ही लगा हुआ है और अभी इससे पहले जूस पिया था हमने, अब जो है स्प्राउट जिसमें तमाम चीज़ें मिक्स हैं आप देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है मूंग है अंकुरित वाले, देसी चना है अंकुरित वाले, गाजर, खीरा, प्याज और ये कॉर्न, उसके ऊपर भुंजी हुई फल्ली और अनार के दाने और हल्की धनिया पत्ती, ये सबका जब मिश्रण एक साथ सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद। अगर आप गेंदे स्टेडियम के आसपास रहते हैं या फिर डेली सुबह सुबह दौड़ लगाने के लिए बाहर निकल आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, डेली सुबह यहाँ पर एक जूस पीजिए, स्प्राउट का सेवन करिए, आपका दिन जो है बहुत बढ़िया जाएगा और आपके सेहत पे बहुत बेहतरीन असर डालेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्या हो भैया, एक ही कटोरी में चारों चारों दबा रहे हो? बस ऐसा ही है, अपन डे वन से खा रहे हैं वैसे यहाँ पे ना। डे वन से? हाँ डे वन से खा रहे हैं, मतलब इनको लगाए 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से खाते हैं, डे वन से खा रहे हैं, बस कभी बार छूटता है। तो वर्कआउट वगैरह जिम वगैरह जाते हैं? नहीं, दौड़ लगाते वो सब नहीं हो पाता अपन से, बस खा लेते हैं। अच्छा खा लेते हैं आपको? बढ़िया, वो भी हमेशा आते खाने के लिए, सबसे बढ़िया। टीम के स्टाफ है बहुत बड़े, आप बढ़िया कॉस्ट्यूम पहन के निकले सुबह सुबह। यस, तो दौड़ लगाए कि नहीं? एक राउंड मारे हैं फिर भूख लग गया तो खाने आ गए, अभी बनाना शेक वगैरह पियेंगे। हाँ फुल व्यवस्था रहता है यहाँ पर खाने का। अच्छा बिलाई शहर में और कोई ऐसी व्यवस्था मिलती है? कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलती। बिलाई शहर के छोड़ दिया, आप कहीं भी चले जाइए ऐसा वैसा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर इतना सारा आइटम इतना स्वादिष्ट वे में आपको मिल पाए। तो कितना ज़रूरी है हम युवाओं के लिए थोड़ा बताइए, अगर आप महसूस कर चुके हैं इसे खाने के बाद? जो भी है खाना ही है, अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे। हाँ तो अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे भी। देखिए भैया कितना चमक रहे हैं सुबह सुबह, ग्लो आएगा फेस पे आपके। हाँ बहुत बढ़िया, और कौन कौन आपके साथी हैं? हमारे दोस्त बैठे हैं आप। अच्छा एक देखिए, एक दोनों भाइयों में से एक ने चश्मा लगाया हुआ है जिसमें कोई रंग नहीं है, एक ने बढ़िया काला चश्मा लगाया हुआ है, सुबह सुबह एकदम एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसको दाबे हैं कि नहीं सुबह? इसको दाब दिए, अभी दाब रहे थे चार लोग मिलके, कोई इसी को दाबे हैं हम लोग। ऐसा क्या? तो एक ही कटोरी चारों निपटा लिए? अरे तो भाईचारा है, भाईचारा है ना, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। बंदों में ना ये हमेशा देखा हूँ मैं, है ना। अच्छा ये बताइए, अपने भिलाई शहर में जयंती स्टेडियम में इतनी बढ़िया व्यवस्था मिल रही है जी, ये खाने पीने का जो मामला है अगर शुद्ध हो जाता है तो कितना ज़रूरी है खाना चाहिए युवाओं के लिए? खाना तो बिल्कुल चाहिए। तो भैया आप कौन सा जूस पी रहे हैं? मैं सर इम्यूनिटी बूस्टर पी रहा हूँ। और क्या मतलब फ़ायदे देता है? इम्यूनिटी को बढ़ा तो देता होगा? बिल्कुल बढ़ाता है। क्या है, रोज हम प्रैक्टिस करते हैं है ना, जो कि मैं पुलिस विभाग में हूँ, प्रैक्टिस करने ये ड्यूटी करने के बाद फिर क्या है एक्चुअली बॉडी को भी थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए, बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए सब पीना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने युवाएं हैं जो आज के डेट में ये सब चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, उनको मैं यही बोलूंगा कि वो आए रोज सुबह प्रैक्टिस करें, कसरत करें और उसके बाद अच्छी डाइट लें। नाउअडेज सच बोलूं तो जितने भी आपके बॉयज एंड गर्ल्स भी, अब गर्ल्स भी वो डेली बैड हैबिट में पूरे एडिक्टेड हो चुके हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। सुबह सुबह सच सुन रहे हैं आप, एकदम एडिक्टेड हो चुके हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो जो भी हो, जिससे सबके हार्मोनल्स इनबैलेंस हो रहे हैं।
अगर ये यूथ अभी इस चीज पे ध्यान नहीं दी आगे जाके ये चीज सिर्फ और सिर्फ बीमारी में घिर जाएगी। ये बीमारी वैसी नहीं है जो तुमको दिखने के लिए मिलेगी, ये हिडन बीमारी रहेगी। इफ गर्ल्स आर टेकिंग एनीथिंग एल्स, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, अगर रेगुलर बेसिस पे हम कुछ अगर बैड हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पूरे एंटायर शरीर के लिए बहुत गलत बात है। और अब उस चीज को चलो कुछ नहीं तो 20% सही करो अच्छी चीज खा के, बहुत बढ़िया, और अच्छी चीज अडॉप्ट करके जो अपन फिजिकल एक्टिविटी में करते हैं। अब चूज योर फॉर्मेशन एंड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेसिस पे मतलब जो अपन डेली बेसिस पे वर्कआउट पुट इन करते हैं उसको चेंज करते रहो। सेम पैटर्न ऑफ वर्कआउट नहीं चूज करो अपने लिए, ये मैं जरूर बोलूंगी। अगर आप जिम कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग ही नहीं है बॉडी में तो वो चीज पुट इन मत करो, क्योंकि ये भी देखा होगा कि अभी हार्ट अटैक आ रहा है। यूथ पूरा अपनी डेली रूटीन के कारण ही तबाह होने वाला है। अच्छा। जो होते जा रहा है, जो मुझे दिख रहा है, तो अब उस चीज को प्रिकॉशन कैसे करेंगे? प्रिकॉशन किससे करेंगे? ये अच्छी चीज खा के, अच्छी चीज पी के, एंड जैसे मैंने अभी स्प्राउट्स लिया है, जो भी कुछ आप डेली इनटेक करते हैं, और हेल्दी हैबिट के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटी मेंटेन करके 24 घंटे में सिर्फ पैसा 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 उसको छोड़ के, रीच रीच रीच, इंस्टाग्राम के फॉलोअर छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ पे ध्यान दोगे तो कहाँ ध्यान रहेगा, कहाँ ध्यान रहेगा आपकी मेंटल मानसिक स्थिति पे। बस मानसिक स्थिति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो तमाम आपके पास विकल्प है, नहीं रखना है तो तमाम बहाने भी है। तो आइए चलते हैं, सत्तू का जूस तैयार हो गया होगा, सत्तू तैयार हो चुका है, बढ़िया। वाह वाह, देखिए इसका रंग देखिए करीब से, कल से बढ़ा के लेके मजा आएगा। वाह वाह, तो ये अब जो है दाबते हैं इसको। मतलब हम आपको बताएं, हमारी आज की सुबह है बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो चुकी है, आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा। हम शाम को भी एक और खाने का मामला आपको दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा हमारा चेहरे के नूर और हमारी तंदुरुस्ती सबसे। अब उसको निपटाते हैं, इसके बाद हम पियेंगे बनाना शेक और अंत होगा इस पूरे वीडियो का। बनाना शेक तैयार हो चुका है और अब हम जा रहे हैं पीने के लिए बनाना शेक। ये जो है अंतिम घड़ी है इस पूरे वीडियो का, हम इसको निपटाते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम मतलब मन तृप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ आते हैं ना तो सही में सबसे आखिरी में इसी को पिएगा। सब निपटाने के बाद जब ये आप पियेंगे ना, मन तृप्त हो जाएगा। सुबह 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 की हवा और सुबह सुबह की पहली धूप और सुबह सुबह का यहाँ का नाश्ता निपटाने के बाद आपका दिन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। भोजन भट्ट के इस कार्यक्रम में अभी तक जुड़े रहने के लिए और लगातार हमको देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केपी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए और भोजन भट्ट का ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। हम अब जो है इस ग्लास को करते हैं सफाचट, देखते रहिए भोजन भट्ट।